ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जाप प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सुपौल की तीन टालियों में जाप कार्यकर्ताओं ने न्याय मार्च निकाला। इसके नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार बशवाड़ ने किया। दर्जनों जाप कार्यकर्ताओं ने लोक न्याय मार्च निकालकर लॉक टिंटोलिया चौक से सुखानगर चौक गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाकर मार्च पूरा किया। जाप प्रमुख उपाध्यक्ष परमेश्वरी सिंह यादव ने कहा कि झूठा केस में फंसाकर हमारे नेता पप्पू यादव को जेल भिजवाया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा किया जाए, नहीं तो जाप कार्यकर्ता आंदोलन लगातार करते रहेंगे। श्री सिंह ने सरकार से पप्पू यादव की रिहाई की मांग की और इसी क्रम में लोक न्याय मार्च करते हुए जाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। जाप अध्यक्ष श्री बशवाड़ ने कहा कि इस लोक न्याय मार्च में हम लोगों की सरकार से 5 मांगे हैं, पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, नौकरी दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करो, मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ो। Pappu Yadav zindabad. 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 Pappu Yadav zindabad.